और आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर दिल्ली का बजट रोकने का आरोप लगा दिया है। 10 मार्च को केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया था बजट, केंद्र सरकार ने जानबूझकर दिल्ली का बजट रोका। दिल्ली पर थोपी जा रही है असंवैधानिक व्यवस्था, ये आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने।